नहीं लाइट मीटर चालू है, मैं तो अभी मम्मा ने बताया कि लाइट गोल है करके, इनको देख लेता हूँ कुछ प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम इतनी सारी है कि क्या बताए, कुछ ना कुछ होते रहता है। अभी ब्लॉग पोस्ट करना था मेरे को यार, अब सबके लिए, लेकिन यार ये लाइट गोल हो गई घर में, एक और प्रॉब्लम आ गई। कोई नहीं, देखता हूँ मैं क्या हुआ। तो इनको बांधना भी है यार, देखो ये लड़ रहे, शाम बहुत हो गई है, कोई भी नहीं घर पे। रुको मैं मीटर देख लेता हूँ यार, लाइट बहुत हो, मतलब लाइट नहीं है तो कुछ दिख रहा नहीं होगा आपको। देखो लार्ज है वैसे, मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, ये मीटर है अपने यहाँ का, दिख रहा है आपको, इस पर देख लेते हैं शायद कुछ प्रॉब्लम होंगी। वायर से करते हुए आया तो मैं, वायर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखी मुझे, हो सकता है कि फेस फेस गया हो, तो फेस देख लेते अपन। लाइट नहीं है तो आई एम सॉरी यार, पर ये यार देखो दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो क्या। चला लो यार काम थोड़ा सा, ये ग्रिप तो ठीक है, मतलब ग्रिप में वायर रहते हैं, तो ब्रेक हो जाए तो आई थिंक, मतलब मुझे आइडिया है इस चीज़ का, इसलिए पप्पू आपको बता रहा है। एक ग्रिप तो ठीक है, एक और ग्रिप देख लेते, करेंट ना लग रहा है, मैं घर में सब सामान रखा हुआ है और लगा मेरे को। ओ ये ब्रेक हो गया है इसका, ग्रिप का वायर, ये तार रहता है बीच में, तो मे बी ना आपको दिख रहे हो, तो ये देखो इसके वायर ग्रिप के टूट गए, इसको जोड़ना पड़ेगा, काम बढ़ गया है, कोई नहीं जोड़ते और लाते हैं लाइट घर पे। इस ग्रिप में अलग से वायर जोड़ना पड़ेगा, इसमें वायर नहीं है तो इसके लिए वायर, ये देखो मेरे पास जुगाड़ मैंने के लिए थोड़ा सा इसका वही का वायर काट देता। हाँ पापा, अरे तो पहले लाइट तो ला लूँ, ये ग्रिप का वो हो गया, टूट गया, ब्रेक हो गया ग्रिप वायर, हाँ ग्रिप से ब्रेक हुआ है, ज़्यादा वोल्टेज की वजह से ब्रेक हो गया होगा, खराब इलेक्ट्रिसिटी जब आती तो इस तरह से ब्रेक हो जाती है घर की, तो इसके जो वायर होते हैं ब्रेक हो जाते हैं खराब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। मैं तो वायर ले रहा हूँ ना पापा, वायर है क्या आपके पास खड़ा खाली पड़ा हुआ? नहीं है, यहाँ से काट ले रहा हूँ मैं उसको, जोड़ दे रहा हूँ फिर, चलो जोड़ दे रहा हूँ, कर दे रहा हूँ मैं, देखो कोई बात नहीं है, जिंदगी खराब है। अरे यार ये भी तो काम नहीं आया। पापा बारीक वाले पतले वाले वायर है क्या? पतले वायर दो मैं लगा दे रहा हूँ। अरे यार मेरी उंगली में लग गया जी, खून निकल रहा है, वो ग्रिप निकाल रहा था ना तो वो निकल गया, इसके थोड़ा सा काट देता हूँ। चलो ये पेंचिस लो, ये पेंचिस लो, क्या हो गया हाथ बता। ठीक है हटा, कुछ नहीं था बता इधर, ये मीटर से हुआ है क्या? ये जो है ना ये ग्रिप दिख रहा है आपको ये? हाँ ये यहाँ इस साइड वाले ग्रिप का वो कट गया, फेस फेस नहीं जी, ये जो रहता है ना ये ग्रिप में, बता इधर, ये ब्रेक हो गया वायर, हो गया ये तो यहाँ छिलका है यार, बता इधर यहाँ कहीं हिलगा है, क्या हिलगा हुआ है दिख रहा है? फ्यूज, फ्यूज तार बारीक वाला नहीं है यहाँ कहीं भी, आप करिए ना उससे को, उसी को करिए, उसको काटो, उसको इतना काट दो, फ्यूज उड़ा ऐसा बोलना। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं भी, इसे नाम भूल जाता हूँ बार बार, उन चीज़ों का याद नहीं रहता मेरे को। इसको वो करो आप पंच से करो, दांत में अगर फंस जाएगा तामा खराब नहीं होगा, तामा लगते हैं तो।
हो जाएगा उतना भाभी किस, हाँ उतना से हो जाएगा भाभी। कुछ नहीं उसमें साफ कर दिया मैंने। थोड़ा वो करो, ढीला करो, आप क्या ढीला करो, लूज रहना चाहिए थोड़ा सा, लूज करो पापा, और लूज करो, डाल ठीक है, उसको और टाइट कर दो, ठीक है आगे लाइट, अब हो गया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हो गया प्रॉब्लम का, यहाँ मैंने रखा था कहीं जरूरत पड़ जाती कर, ठीक है ये लगे खून थोड़ा सा निकल गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है होता है, चलो इसको रख देते हैं और निकलते यार। चलो लाइट तो आ गई, अब हम चलते हैं अपने काम पे, ये पापा उन सबको बांध देंगे, यार बहुत जलन कर रहे हैं मेरी उंगली, कुछ लगाना पड़ेगा यार बोर्ड पर, इधर कुछ बांध नहीं, बाम नहीं लगाना, सिकटे पे बाम नहीं मत लगाना है कभी आप, ये अपना बोर्ड पर लगा लेते हैं। कॉटन कॉटन ओके, ठीक है ओके ओके ठीक है, चलो बाय, हो गया प्रॉब्लम का सलूशन, देखा आपने तो ऐसे ऐसे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम को अपन फेस कर लेते हैं, बाय।